प्रदेश में शिक्षा से महरूम बच्चों को शिक्षा से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सोमवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। हरिचंद्र माथुर सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में किसी कारणवश स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूलों से जोड़ने पर मंथन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। कार्यशाला में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि 42,452 बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट पाए गए हैं। वही कार्यशाला में इन बच्चों को आपस में स्कूलों से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक्शन प्लान पर भी चर्चा की गई। राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉपआउट बच्चों को कैसे स्कूलों से जोड़ा जाए, इसको लेकर के एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। सभी जिला स्तर के और राज्य स्तर के अधिकारियों को हमने बुलाया है। आज से नामांकन का जो शुरुआत हुई है, उसको हम कैसे उस अंजाम तक ले जाएंगे जिसमें हमारे सभी प्रदेश के बच्चे स्कूलों तक पहुँचें और अपने आप को शिक्षित बनाएं।